आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर किसके ऊपर कि बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा ओलिगोसैकेराइड उनकी स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में भी आपको ओलिगोसैकेराइड के जो कंपाउंड है जैसे ताज ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज अपने लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है ग्लाइकोजन के क्या है देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसमें सबसे पहला कंपाउंड क्या था ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज इज ए सिंपल सुगर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। मतलब क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट सुगर है, मतलब सबसे सरल जो इसका केमिकल फॉर्मूला है और सबसे सिंपल है। फॉर्मूला क्या है इसका, C6 यानी कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं 6। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज इज द मोस्ट एब्डेंट मोनोसैकेराइड एक सब कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज द मोस्ट एब्डेंट का मतलब है काफी सारी मात्रा में कोई चीज मिलना, यानी ग्लूकोज क्या है काफी ज्यादा मात्रा में मिलने वाला मोनोसैकेराइड है। और कैटेगरी किसकी है, सब कैटेगरी किसकी है, यानी छोटी कैटेगरी किसकी है कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट, ग्लूकोज सर्व एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी, यानी ग्लूकोज क्या काम करता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन एनर्जी सोर्स का काम करता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 80 to 100 mg/100 ml ग्लूकोज इन ब्लड, यानी नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 80 to 100 mg ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। इफ ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन ब्लड 180 to 300 mg/100 ml दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस। यानी क्या है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 180 to 300 mg तक बढ़ जाता है 100 ml ब्लड में तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, इफ ग्लूकोज एक्सक्रीट इन यूरिन दिस कंडीशन इज ग्लाइकोसूरिया। यानी क्या है, अगर ग्लूकोज का जो लेवल 300 के भी अगर पार चला जाता है तो वो क्या है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, यानी किडनी जो है रिनल जो है उसको सही से फिल्टर नहीं कर पाती, रीऑब्जर्व नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज नॉट डाइजेस्ट डायरेक्ट ऑब्जर्व फ्रॉम इंटेस्टाइन। यानी ग्लूकोज क्या है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है दैट इज नॉट डाइजेस्ट, यानी जिसको क्या है डाइजेशन नहीं होता, एंड डायरेक्ट ऑब्जर्व फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो क्या है डायरेक्ट इंटेस्टाइन से क्या है ऑब्जर्व कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज इज मेनली मेट बाय प्लांट्स एंड मोस्ट एल्गी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट वेयर इट इज यूज्ड टू मेक सेलुलोज इन सेल वॉल। यानी क्या है कि ग्लूकोज क्या है मेनली किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, प्लांट एल्गी और किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इसमें कंपाउंड क्या क्या काम में आते हैं प्लांट में, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और वो किसके लिए कौन सी एनर्जी यूज करके इसको फॉर्म करता है, यानी सनलाइट यानी सूर्य की एनर्जी को यूज करके, हीट को यूज करके वो क्या है ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं प्लांट्स और एल्गी। वेयर इट इज यूज टू मेक सेलुलोज इन सेल वॉल, और प्लांट्स के अंदर ये क्या चीज के अंदर का काम में आता है कि जो सेलुलोज की सेल वॉल है उसको फॉर्म करने के अंदर। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड कंटेनिंग 6 कार्बन एटम एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड इज देयर फॉर रेफर टू एज एन एल्डोहेक्सिस। यानी ग्लूकोज के अंदर एक क्या है, सबसे पहले तो एक मोनोसैकेराइड है यानी एक सिंगल शुगर प्रेजेंट रहती है जिसके अंदर 6 कार्बन के एटम होते हैं और एक क्या है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एल्डो यानी एल्डिहाइड हेक्सोज यानी 6 कार्बन एटम, तो क्या बोलते हैं ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज। नेक्स्ट, यू मे नाउ ग्लूकोज बाय अनदर नेम, यानी ग्लूकोज को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो, तो क्या है दूसरा नाम इसका, ब्लड शुगर।
नेक्स्ट, ग्लूकोज इज की टू कीपिंग द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इन टॉप वर्किंग ऑर्डर, यानी जब ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा काम कर रही है या कोई हार्ड वर्क कर रही है उस टाइम पे क्या है उसकी जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट काम में आता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो इसमें कितने एटम है, कार्बन के 6 एटम है, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज, दूसरा कौन सा है, सुक्रोज। पहला कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसेक्राइड था, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड, यानी जिसमें दो शुगर की यूनिट प्रेजेंट हो। तो इसमें देखिए, सुक्रोज इज कॉमन शुगर, इट इज ए डाइसेक्राइड, ए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड, यानी शुगर सुक्रोज क्या है, सबसे कॉमन शुगर है, और ये किसमें मिलता है, ये कैसा कंपाउंड है, डाइसेक्राइड कंपाउंड है जिसमें दो शुगर की यूनिट प्रेजेंट हो। ए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड, और जो किससे बनाए, दो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स मिलके इसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल कौन से हैं, दो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज, बाय एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज दोनों मिलके और उनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज इज प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट, यानी सुक्रोज जनरली कहाँ पे बनता है, प्राकृतिकली प्लांट्स के अंदर। इट हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है यानी 22, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 11। फॉर ह्यूमन कंजप्शन सुक्रोज इज एक्सक्रेटेड एंड रिफाइंड फ्रॉम आइदर शुगर कैन, यानी क्या है, ह्यूमन के यूज के लिए या ह्यूमन इस सुक्रोज को डाइजेस्ट करना चाहते हैं, काम में लेना चाहते हैं, तो इसको कहाँ से ले सकते हो आप, शुगर कैन से ले सकते हो या फिर शुगर बीट या शुगर मिल से। शुगर मिल यानी जो शुगर को फॉर्म करने वाली जो मिल है यानी फैक्ट्री है। नेक्स्ट, सुक्रोज की स्ट्रक्चर, तो इसमें देख रहे हो आप, एक साइड में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक साइड में फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों मॉलिक्यूल मिलके ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सुक्रोज की यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज आल्सो नोन एज माल्टोबायोस और माल्ट शुगर इज ए डाइसेक्राइड फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जॉइंड विद ए अल्फा 1-4 बॉन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूलर वाटर। तो सबसे देखिए, माल्टोज आल्सो नोन एज माल्टो बायोज, बायोज मीन जैविक और माल्टोज मीन संतरा या फिर माल्ट, जो संतरे की पिछली क्वालिटी उसको बोलते हैं, और माल्ट शुगर इज ए डाइसेकेराइड, यानी क्या है, एक माल्टोज शुगर है, और डाइसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लास है उसके अंदर ये आते हैं, यानी इसमें भी दो शुगर की यूनिट प्रेजेंट रहती है। और ये बनता किससे है, फॉर्म्ड फ्रॉम टू यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज की यूनिट जुड़ के एक साथ क्या बनाती है, माल्टोज बनाती है, और वो जुड़ती कैसे है, एन अल्फा 1-4 बॉन्ड, और वो दोनों यूनिट कैसे जुड़ती है, यानी एक साइड में क्या है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का तो पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, अल्फा 1-4 बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी पानी का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल जाता है, यानी H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, द माल्टोज फाउंड इन स्वीट पोटैटो, और ये किसमें मिलती है आपको, स्वीट पोटैटो में। नीचे जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, दो ग्लूकोज की यूनिट है, पहले कार्बन की क्या है, पहली जो ग्लूकोज की यूनिट है उसका तो पहला कार्बन है, और दूसरी जो ग्लूकोज की यूनिट है उसका चौथा कार्बन है, दोनों कैसी बॉन्डिंग क्रिएट करें, अल्फा 1-4, और ये बॉन्डिंग जब क्रिएट होती है तो एक H2O का मॉलिक्यूल क्या है, दोनों के बीच से बाहर निकल जाता है, फिर क्या बनता है, दोनों के मिलने से माल्टोज। आज का जो लेक्चर है वो किस पे, पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड, जिसमें तीन कंपाउंड पढ़े थे, एक तो ग्लूकोज, एक क्या है, सुक्रोज, और दूसरा माल्टोज। उसके आगे क्या है आज का, लैक्टोज। लैक्टोज इज ए डाइसेकेराइड, यानी लैक्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, यानी गौरी सुरक्षा, जिसमें क्या है, दो शुगर की यूनिट प्रेजेंट है।
शुगर कंपोज्ड ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज सब यूनिट। यह क्या एक शुगर का कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के दो यूनिट से मिलकर बना है, और बना कब है? बाय इलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी जब क्या है, एक पानी का मॉलिक्यूल, ये दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट जब जुड़ती हैं, उसके बीच से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तब क्या बनता है? लैक्टोज। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। यानी क्या है, कार्बन के एटम कितने हैं? 12। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 22। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 11। नेक्स्ट, लैक्टोज मेक अप अराउंड 2 to 8% ऑफ मिल्क। यानी 2 से 8% किसका, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? लैक्टोज। नीचे आपने देखा क्या, ग्लैक्टोज है एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। वो दोनों अल्फा 1-4 बॉन्डिंग से अटैच हो रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन बीच में अटैच कर रही है, और ये दोनों यूनिट मिलके अटैच होके क्या बना रही है? लैक्टोज। सबसे पहले देखिए, लैक्टोज इज ए डाइसेकेराइड, यानी ये क्या है, दो शुगर शर्करा की यूनिट से बना है। इट इज ए शुगर कंपोज्ड ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज सब यूनिट बाय एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज की यूनिट को मिलाने से बनता है, और एक पानी का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O, बाहर निकल जाता है जब ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 है। और ये क्या है, लैक्टोज मेक अप अराउंड 2 to 8% ऑफ मिल्क। यानी मिल्क दूध का ये कितने परसेंट होता है? दूध के अंदर 2 से 8% तक क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्च, जो क्या है, पॉलीमेरिक है, यानी पॉलीमर यूनिट है, यानी पॉलीसेकेराइड की यूनिट है। देखिए, पॉलीसेकेराइड का मतलब है जिसके अंदर क्या है, 10 से ज्यादा सेकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, यानी मोनोसेकेराइड की 10 से ज्यादा यूनिट प्रेजेंट हो। और पॉलीसेकेराइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कंपाउंड है, एक तो स्टार्च, एक ग्लाइकोजन, और एक क्या है, सेलुलोज। स्टार्च और जो ग्लाइकोलोजन है, ग्लाइकोजन है, वो तो क्या है, स्टोरेज एनर्जी है, यानी उनको स्टोर कर सकते हो। और सेलुलोज क्या है, एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, जो यानी सेल्स को फॉर्म करने का कंपाउंड है, जो किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, बनाता है। तो सबसे पहले अपन कौन सा कंपाउंड देखते हैं पॉलीसेकेराइड के अंदर, स्टार्च। स्टार्च इज ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ग्लूकोज जॉइंट यूनिट जॉइंट बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। यानी स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है, जो क्या है, ग्लूकोज की सब यूनिट से जुड़ने से बनता है। और ये जो यूनिट है ग्लूकोज की, वो किस, कौन से बॉन्ड से जुड़ती है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। यानी इसमें दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है, एक तो अल्फा 1-4, यानी पहले कंपाउंड का पहला कार्बन, और दूसरे कंपाउंड का ग्लूकोज की जो यूनिट है उसका छठा कंपाउंड। दूसरी होती है अल्फा 1-6 बॉन्डिंग, यानी पहले कार्बन का तो पहला कंपाउंड, ठीक है, पहले ग्लूकोज का, तो और दूसरे ग्लूकोज का छठा कंपाउंड। दिस पॉलीसेकेराइड इज प्रोड्यूस बाय मोस्ट ग्रीन प्लांट एज एनर्जी स्टोरेज। और यह जो पॉलीसेकेराइड है, यानी स्टार, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। और इसको काम में किस लिए लेते हैं, कि इसको एनर्जी स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम में लेते हैं, यानी एनर्जी के रूप में इसको स्टोर करते हैं प्लांट लंबे समय तक। प्योर स्टार इज ए वाइट टेस्टलेस एंड ओडरलेस पाउडर दैट इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर और एल्कोहल। यानी प्योर जो शुद्ध 100% स्टार्च है, वो टेस्टलेस होती है, एक तो यानी कोई टेस्ट, कोई स्वाद उसमें नहीं होता, वाइट उसका कलर होता है। ओडरलेस यानी कोई भी स्मेल, गंध उसके अंदर नहीं होती, पाउडर के जैसी होती है। और इनसोल्यूएबल यानी अघुलनशील, किसके अंदर, ठंडे पानी के अंदर और एल्कोहल के अंदर। सबसे पहले स्टार्च इज ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस ग्लूकोज यूनिट जॉइंट बाय ग्लूकोज बॉन्ड यानी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। क्या है, स्टार्च एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड यूनिट है, जो ग्लूकोज की यूनिट जुड़ने से बनती है, और ये ग्लूकोज की यूनिट किससे जुड़ती है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। दिस पॉलीसेकेराइड इज प्रोड्यूस बाय मोस्ट ग्रीन प्लांट एज एनर्जी स्टोरेज। यानी यह जो स्टार्च है, इसको क्या है, जो
जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा फॉर्म करते हैं, और इसको काम में किस लिए लेते हैं कि स्टोरेज एनर्जी के रूप में स्टार इसको काम में लेते हैं, यानी इमीडिएट जब जरूरत हो तब इसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। प्योर स्टार्च इज ए वाइट टेस्टलेस एंड ऑडरलेस पाउडर दैट इज इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर और एल्कोहल, यानी शुद्ध जो स्टार्च है उसका कलर तो व्हाइट होता है, टेस्टलेस होता है यानी कोई स्वाद उसमें नहीं होता, यानी ऑडरलेस पाउडर यानी उसमें कोई भी गंध नहीं होती किसी भी प्रकार की, और वो क्या है ठंडे पानी के अंदर और एल्कोहल के अंदर क्या है इनसोल्युबल है यानी अघुलनशील है। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किससे कंपोज्ड हुआ है, किन किन से मिलकर बना, तो इसमें आपको क्या दिखाई गई है फर्स्ट जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है उसमें क्या है तीन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े किससे अल्फा 1-4 बॉन्डिंग से, ठीक है, यानी पहले कार्बन यानी पहली ग्लूकोज की यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी जो ग्लूकोज की यूनिट है उसमें क्या है उसका चौथा कार्बन, और वो दोनों क्या है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। और दूसरी स्ट्रक्चर में क्या है स्टार्च की ब्रांचिंग दिखाई गई है, यानी ऊपर नीचे, ये तो पहली जो आपने स्ट्रक्चर देखी है वो तो मोनोमर है यानी सीधी स्ट्रेट चेन है, दूसरी में क्या है ब्रांच है जिसमें क्या कैसी बॉन्डिंग दिखेगी आपको अल्फा 1-6 यानी पहले जो ग्लूकोज की यूनिट है उसका पहला कार्बन और दूसरी जो ग्लूकोज की यूनिट जुड़ेगी उसका छठा कार्बन अटैच होगा, वो छठे कार्बन के साथ क्या बनाएगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगी। नेक्स्ट क्या है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ए मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोजन सबसे पहले क्या है ग्लाइकोजन एक मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, यानी ये नहीं है कि ग्लाइकोजन एक तो पॉलीसेकेराइड है, और मल्टी ब्रांच का मतलब है कि ये नहीं स्ट्रेट चेन उसमें प्रेजेंट होंगी, उसमें अलग अलग ब्रांचेज होंगी शाखाएं होंगी, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, और वो शाखाएं होगी किसकी ग्लूकोज की यूनिट की दैट सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, और वो किस लिए काम में आता है एनर्जी स्टोरेज के लिए काम में आता है, किसमें एनिमल्स के अंदर यानी ह्यूमंस आ गए कैटल्स आ गए, ठीक है, और फंजाई फंगस के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी ये स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट द पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, और यानी ऐसी पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है जो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो मेन स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की। आपको पता है कि ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है ग्लूकोज को एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ह्यूमन बॉडी में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बाद में जो ग्लूकोज बचता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है लीवर और साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो क्या है ये ह्यूमन के अंदर मैंस के अंदर एनिमल्स के अंदर क्या है मैन स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज। नेक्स्ट इट इज ए डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड, यानी इसको क्या है आप डाइजेस्ट कर सकते हो फूड के अंदर काम में ले सकते हो, यानी इसको आप ग्लाइकोजन को मोनोसेकेराइड में तोड़ लोगे ग्लूकोज में, तोड़ने के बाद इसको आप एनर्जी के रूप में काम में ले सकते हो। नेक्स्ट ग्लाइकोजन स्टोर इन ए लीवर मसल, ग्लाइकोजन किस में स्टोर होती है लीवर की मसल्स में, और क्या है अगर ग्लाइकोजन का लेवल ज्यादा ही बढ़ जाए तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी फैटी लीवर, यानी क्या है फैट जो है वो क्या हो जाएगी एक्यूमुलेट हो जाएगी जम जाएगी। नेक्स्ट ग्लाइकोजन इज फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, ग्लाइकोजन इज ए फॉर्म ऑफ बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन है वो किसके कन्वर्जन से बना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कन्वर्जन से बना है इनटू ग्लाइकोजन, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। तो शुरू से देखिए ग्लाइकोजन इज ए मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल फंजाई एंड बैक्टीरिया, कि ग्लाइकोजन क्या है एक मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड है और जो ग्लूकोज की यूनिट से बना है वो क्या है एक स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की एनिमल्स और फंजाई और बैक्टीरिया में। नेक्स्ट द पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, यानी पॉलीसेकेराइड की ऐसी स्ट्रक्चर
जो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टोरेज फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, इट इज ए डाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड, यानी क्या है, ग्लाइकोजन को आप डाइजेस्ट भी कर सकते हो, जबकि क्या है, सेलुलोज नॉन डाइजेस्टेबल है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर मसल्स, यानी ग्लाइकोजन किसमें स्टोर होती है, किसमें प्रिजर्व रहती है, लीवर की मसल्स में। ग्लाइकोजन इज फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज की जो कन्वर्जन करके इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में जो फॉर्म बनती है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट क्या दिखाया गया है कि ग्लाइकोजन का कन्वर्जन किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। तो सबसे पहले नीचे देखिए, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आया गया, दिखाया गया है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जो क्या है, ग्लूकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है किसी चीज का बनना। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन में, यानी स्टोरेज फॉर्म में। जितनी अपनी ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उतनी ग्लूकोज तो काम में ले ली जाती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोरेज कर लिया जाता है। और फिर क्या है, दूसरी कंडीशन कौन सी दिखाई गई है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी जिसमें क्या है, ब्रेक डाउन, या किसका, ग्लाइकोजन का। आपको पता है ग्लाइकोजन क्या है, मल्टी ब्रांच चेन है, उसमें अल्फा 1,4 बॉन्डिंग भी है और अल्फा 1,6 बॉन्डिंग भी है, यानी ब्रांच भी है ग्लूकोज की। तो उन ब्रांचेस का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करके उस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज में। और ये प्रोसीजर कब होता है, जब ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट, तीसरा स्ट्रक्चरल कंपाउंड कौन सा है आपका, पॉलीसेक्राइड का सेलुलोज, जो क्या है, मतलब दो तो आपने पढ़ लिए, स्टार्च तो ग्लाइकोजन, तीसरा क्या है, सेलुलोज। तो उसमें देखिए, एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, यानी एक अघुलनशील पदार्थ, विच इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जो क्या है, प्लांट की सेल वॉल को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एंड ऑफ वेजिटेबल फाइबर, यानी वेजिटेबल फाइबर को भी बनाता है, सतह और कॉटन को भी क्रिएट करता है। इट इज ए पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर, यानी ये क्या है कि पॉलीसेक्राइड है, और कंसिस्ट किससे हुआ है, यानी मोनोसेक्राइड से, ग्लूकोज की मोनोसेक्राइड से। आपको पता है ग्लूकोज यूनिट से सेलुलोज बनती है, और ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला, यानी सेलुलोज का ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। ए पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइनर चेन ऑफ सेवरल हंड्रेड टू मेनी थाउजेंड ऑफ बीटा 1,4 लिंक डी ग्लूकोज यूनिट, यानी क्या है कि ऐसा पॉलीसेक्राइड जो 100 से लेकर 1,000 यूनिट तक किसकी, ग्लूकोज की, इसमें जुड़ी हुई होती है कौन सी बॉन्डिंग से, अल्फा या बीटा 1,4 बॉन्डिंग से। नेक्स्ट, सेलुलोज इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट, कि सेलुलोज क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, रचनात्मक कंपोनेंट है, किसका, सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी हरे भरे प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसका। मैनी फॉर्म्स ऑफ एल्गी एंड अदर ओमाइसिटीज, और क्या है, कुछ एल्गी और कुछ ओमाइसिटीज की सेल वॉल में भी ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट, सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया सिक्रेट इट टू फॉर्म बायोफिल्म, ये क्या है कि कुछ बैक्टीरिया भी इसको सिक्रेट करते हैं, यानी किसको सिक्रेट करते हैं, सेलुलोज को, और वो क्या है, बायोफिल्म बनाते हैं, यानी जैविक घटक बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज इज द मोस्ट एब्डेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन अर्थ, यानी सेलुलोज पृथ्वी के ऊपर, अब्डेंट का मतलब है बहुत सारी, काफी क्वांटिटी के अंदर, काफी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है। शुरू से देखिए,
सेलुलोज एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी क्या है, एक अघुलनशील पदार्थ है जो प्लांट की सेल वॉल को फॉर्म करने का काम करता है, बनाने का काम करता है, और वेजिटेबल के फाइबर को और कॉटन को बनाता है। इट इज ए पॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर, और यह क्या है, एक पॉलीसेकेराइड का पार्ट है और क्या है कि ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है सेलुलोज का, 3-6N कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के कितने, 5। ए पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइनर चेन ऑफ सेवरल हंड्रेड टू मेनी थाउजेंड ऑफ बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट, यानी क्या है कि एक ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें 100 या 1,000 तक क्या है ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट होती है और वो एक दूसरे के साथ बीटा 1,4 बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट मेनी फॉर्म ऑफ एल्गी एल्गी एंड उमाइसिटी, यानी क्या है सेलुलोज क्या है उनकी सेल वॉल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, किसका, ग्रीन प्लांट्स का, एल्गी और उमाइसिटी का। सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया सीक्रेट इट टू फॉर्म बायोफिल्म्स, और कुछ बैक्टीरिया क्या है सेलुलोज को एक्सक्रीट करते हैं किसके रूप में, बायोफिल्म के रूप में, यानी जैविक घटक के रूप में। सेलुलोज इज द मोस्ट एब्डेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन द अर्थ, यानी ये क्या है पृथ्वी के ऊपर काफी सारी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज हैज नो टेस्ट, यानी इसको अगर स्वाद के अंदर देखें तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, आपने देखा वो कॉटन को खा के देखोगे तो आपको क्या है फीकी लगेगी। सेलुलोज हैज नो टेस्ट, यानी इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, इज ऑडरलेस, और ये क्या है गंधविहीन है, यानी इसमें कोई भी गंध प्रेजेंट नहीं होती। इज ए हाइड्रोफिलिक विद द कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ 20-30 डिग्रीज, इज इनसोल्युबल इन वाटर, और क्या है एक हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है यानी जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो फॉर्मेशन एंगल है वो कितना है 20-30 डिग्री, और इनसोल्युबल इन वाटर यानी पानी में अघुलनशील है। नेक्स्ट, दिस लिंकेज मोटिव कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ 4A अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और ये कैसी, इसके अंदर भी बॉन्डिंग कैसी है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के जैसी प्रेजेंट है, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग है। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चैन पॉलीमर, और सेलुलोज क्या है सीधी संरचनात्मक क्या है पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है, ये नहीं है कि इसके अंदर ओनली सेलुलोज के अंदर ओनली अल्फा 1,4 बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी सीधी लाइन में ग्लूकोज यूनिट जुड़ती है, लेकिन स्टार्च और जो क्या है आपने देखा स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसमें ब्रांच भी प्रेजेंट होती है, ये डिफरेंस है इनमें। सेलुलोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन सेलुलोज इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड कॉल्ड सेलोडेक्सट्रिन और कंप्लीटली इनटू ग्लूकोज यूनिट, दिस इज ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, मतलब क्या है कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है सेलुलोलाइसिस, और किसमें ब्रेक डाउन कर सकते हो आप इस पॉलीसेकेराइड को, एक तो सेलोडेक्सट्रिन में, और क्या है, और अगर उससे भी ज्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हो करना चाहो तो किसमें, ग्लूकोज की यूनिट के अंदर, और ये प्रोसीजर किसके द्वारा कर किया जाएगा, ये रिएक्शन कैसे होगी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट, बिकॉज सेलुलोज मॉलिक्यूल बाइंड स्ट्रॉन्गली टू ईच अदर सेलुलोलाइसिस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट कंपेयर टू द ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीसेकेराइड, यानी अदर पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च और क्या है ग्लाइकोजन, उनके कंपेरिजन में सेलुलोज का जो ब्रेकडाउन है वो काफी हार्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपको पता है स्ट्रेट बॉन्डिंग होती है, स्ट्रेट चैन प्रेजेंट होती है, और जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या है ब्रांच भी प्रेजेंट होती है, उनका ब्रेकडाउन आसानी से किया जा सकता है। तो शुरू से देखिए कि सेलुलोज हैज नो टेस्ट, इज ऑर्डरलेस, इज हाइड्रोफिलिक विद द कॉन्ग्रेट एंगल ऑफ 20-30 डिग्री, इज इनसोल्युबल इन वाटर,
सेलुलोज का कोई भी स्वाद नहीं है, गंध विहीन है, वाटर का कंपाउंड है यानी पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ, और इसका फॉर्मेशन एंगल कितना है 20 to 30 degree, और इनसोल्यूबल इन वाटर यानी पानी के अंदर अघुलनशील है। नेक्स्ट, दिस लिंकेज मोटिफ विद दैट फॉर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और इसकी जो बॉन्डिंग है वो कैसी होती है, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है किसके सिमिलर, स्टार्च और ग्लाइकोजन के। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चैन पॉलीमर, सेलुलोज क्या है, एक सीधी चैन पॉलीमर है यानी सीधी श्रृंखला, उसमें ग्लूकोज की जो यूनिट है वो सीधी जुड़ी रहती है एक दूसरे के साथ यानी अल्फा 1,4 बॉन्डिंग से जुड़ती है, उसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती यानी अल्फा 1,4 बॉन्डिंग अल्फा 1,6 बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती सेलुलोज में। नेक्स्ट, सेलुलोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, यानी सेलुलोलाइसिस क्या है कि सेलुलोज का ब्रेक डाउन का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं, और वो ब्रेक डाउन होता है कि इसमें इंटू स्मॉल पॉलीसेक्राइड, और अगर आप स्मॉल छोटे पॉलीसेक्राइड में करना चाहो तो वो किसमें टूटेगा, सेलोडेक्सट्रिन में, और अगर आप उसको मोनोसेक्राइड में करना चाहो और कंप्लीटली इंटू और छोटी यूनिट में करना चाहो इंटू और किसमें तोड़ सकते हो, ग्लूकोज में, और ये कब होगा जब उसका ब्रेक डाउन बिल्कुल मोनोसेक्राइड में होगा, क्या है ये रिएक्शन कैसी होगी, हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट, बिकॉज सेलुलोज मॉलिक्यूल बाइंड स्ट्रॉन्गली टू ईच अदर, सेलुलोलाइसिस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट कंपेयर टू ब्रेक डाउन ऑफ अदर पॉलीसेक्राइड, यानी सेलुलोज क्या है स्टार्च और जो क्या है ग्लाइकोजन है उसके कंपेरिजन में जल्दी से नहीं टूटता, यानी उससे क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। रीजन क्या है, स्टार्च और जो क्या है ग्लाइकोजन है उसमें क्या है ब्रांच प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आपकी सेलुलोज है उसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती, वो क्या है सीधी स्ट्रेट चैन पॉलीमर है। नेक्स्ट केस, वो तीनों पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स है जो आपको दिखाई गई है। स्टार्च तो प्लांट के रूप में पहली स्ट्रक्चर है स्टार्च की, जिसमें एक तो सीधी चेन है और दूसरी क्या है ब्रांच दिखाई गई, यानी सीधी चेन के अंदर तो अल्फा 1,4 बॉन्डिंग है और जो ब्रांच है उसके अंदर अल्फा 1,6 बॉन्डिंग है, यानी कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी स्टार्च के अंदर ब्रांच प्रेजेंट होती है, इसका ब्रेकडाउन इजिली कर सकते हैं, और स्टार्च किसके अंदर काम में आती है, प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम में आती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के अंदर आप देखिए इसमें भी क्या है, सबसे पहले तो सीधी बॉन्डिंग है यानी अल्फा 1,4 यानी स्ट्रेट चेन से ग्लूकोज की, फिर दूसरी क्या है, फिर क्या है इसके अंदर दूसरी भी बॉन्डिंग है अल्फा 1,6 बॉन्डिंग भी इसमें यानी ब्रांच भी प्रेजेंट है, और ये किसमें काम में आती है, ये एनिमल्स के अंदर एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम में आती है, और तीसरा कंपाउंड क्या है सेलुलोज, यानी सेलुलोज के अंदर आप देखो ओनली एंड ओनली अल्फा 1,4 बॉन्डिंग दिखाई गई है, सीधी स्ट्रेट चेन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग दिखाई गई जिसमें ग्लूकोज की यूनिट सीधी जुड़ रही है, और सेलुलोज क्या है प्लांट की सेल वॉल का कंपोनेंट है, उसकी सेल वॉल फॉर्म करने का काम करता है। फिर क्या है एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है आप देख सकते हो स्टार्च और ग्लाइकोजन में ब्रांच प्रेजेंट है, लेकिन सेलुलोज के अंदर क्या है सेलुलोज एक फाइबर है तंतु है उसके अंदर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, सीधी स्ट्रेट क्या जुड़ी हुई है ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी हुई है। नेक्स्ट लेक्चर ऑन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी आगे का जो आगे की जो क्लास होगी वो किस पे शुरू होगी, आपकी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे, कि उसका पाचन कैसे होता है, उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, कितने एटीपी यूज होते हैं, और कौन सी प्रोसीजर उसके अंदर इन्वॉल्व है डाइजेशन के अंदर। थैंक्स टू ऑल।